Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. Hello students, कैसे हैं आप सब? I hope कि सब अच्छे होंगे. तो students, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ partial differentiation से a new topic, second order Euler theorem on homogeneous function. Okay, and this topic is most important for you, for the students of BE, BTech, BSCs and other competitive examinations also. Okay, तो students, इससे पहले मैं first order Euler theorem, उसके definition, कुछ concept और कुछ important questions मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स, उसी टॉपिक से रिलेटेड, ओके, पार्शियल डिफरेंशिएशन से आज हम करते हैं सेकंड ऑर्डर यूलर थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शंस. लेकिन स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल MIS इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर की अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे. मैं इसके सीना MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं सेकंड ऑर्डर यूलर थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शंस. आई स्टूडेंट्स, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर यूलर थ्योरम. देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स, कि जो सेकंड ऑर्डर यूलर थ्योरम है, दिस थ्योरम इज रिलेटेड टू द फर्स्ट ऑर्डर. ओके, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर यूलर थ्योरम में मैंने आपको क्या बताया था, कि जो यू हमारे पास एक होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री एन इन एक्स एंड वाई, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं कि फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई. ओके, तो उसी थ्योरम को लेकर के फर्स्ट ऑर्डर को हम यहाँ सेकेंड ऑर्डर थ्योरम प्रूव करेंगे, फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो राइट डाउन प्लीज एंड मेक ए प्रॉपर नोट्स. सो राइट डाउन प्लीज, इफ यू इज ए होमोजेनियस फंक्शन, इफ U is a homogeneous function of degree n, okay, in x and y, in the variable x and y, then the formula become, take students, x square curly square u upon curly x square plus 2xy curly square u upon curly x curly y plus y square curly square u upon curly y square is equal to n into n minus 1 into u. Take students, this is the statement of second order Euler theorem on homogeneous function. Okay, तो चलिए students, ये है हमारी second order Euler theorem. Okay, और जो फर्स्ट ऑर्डर थी, जो मैंने इससे पहले आपको प्रीवियस लेक्चर में करवाई थी, ओके, तो स्टूडेंट्स, इससे पहले आप अगर सेकंड ऑर्डर डायरेक्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर देखिए. ओके, जिसका लिंक मैंने इसी से पहले मेरे यूट्यूब चैनल के MIS इंडिया के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है. ओके, तो वहां जाकर के आप सबसे पहले सेकंड ऑर्डर करने से पहले आप फर्स्ट ऑर्डर को देखिए, स्टेट एंड प्रूव फर्स्ट ऑर्डर यूलर थ्योरम. ओके, और आई होप कि शायद आपने देख भी लिया होगा, तो दैट्स वेरी गुड. ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, ये हमारी सेकंड ऑर्डर यूलर थ्योरम जो हमें प्रूव करनी है बाय फर्स्ट ऑर्डर. ओके, चलिए स्टूडेंट्स, प्रूव करते हैं. ओके, नाउ प्रूफ ऑफ सेकंड ऑर्डर यूलर थ्योरम. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, राइट डाउन कि जो u हमारे पास है, u इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, देयरफॉर u इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n. ठीक है स्टूडेंट्स, u इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n. तो अगर ऐसा है, अगर u हमारा होमोजीनियस है ऑफ डिग्री n के लिए, तो हमारी यूलर थ्योरम क्या होगी फर्स्ट ऑर्डर की? देयरफॉर बाय यूलर थ्योरम, बाय यूलर थ्योरम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ऐसे लिखिए आप इसको, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. देखिए स्टूडेंट्स, यू नो x करली u बाय करली x प्लस y करली u अपॉन करली y इज इक्वल टू एन यू, एंड टेक दिस इक्वेशन नंबर. ये वो थ्योरम है जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में
प्रूफ करवाया था इसका, प्रूफ करवाया था मैंने इसका आपको कि x कर लियो y कर लियो, x प्लस y कर लियो अपॉन कर लियो y इज इक्वल टू एन यू. ओके, अब सेकंड ऑर्डर को हम प्रूव करेंगे फर्स्ट ऑर्डर से. देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू और आई होप कि आप एक नई चीज सीखेंगे. ओके, सो टेक दिस इक्वेशन नंबर वन. ओके, देखिए चलो डिफरेंशिएटिंग. अब इक्वेशन को हमने क्या करना है, देखिए स्टूडेंट, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन नंबर वन partially with respect to x, treating y as a constant. Dekhi students, first of all find its partial derivative with respect to x, treating y as constant. To jab main isko with respect to partially with respect to x karenge to students kaise hoga, dekhiye you know the symbol of the partial derivative, curly y curly x, x curly u upon curly x on both side use karein symbol, plus curly upon curly x y curly u upon curly y, dekhe students is equal to here n is constant, take out from the symbol curly upon curly x into u, dekhe. Okay, to iska partial derivative mein ab find out karta hun with respect to x, treating y as constant. Okay, so here dono function x ke students, x aur curly upon curly x, so using u into v. Okay, dekhe yahan se x as it is, curly square u upon curly x square plus curly u by curly x as it is into 1, x derivative 1 plus y is constant here and this partial derivative is curly square u upon curly, okay, yes, curly x curly y, dekhiye. Okay, is equal to, agar students main yahan curly upon curly y rakhunga to y ka jay 0 ho gaya, to isko hume rakhne ki zarurat nahi hai, to n into curly u by curly x, dekhiye students. Okay, now multiplying on both side by, अब यहां से देखिए स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय एक्स, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय एक्स, तो नाउ दिस बिकम, इसको हमने दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इंप्लाई दैट एक्स स्क्वेयर कर्ली स्क्वेयर यू अपॉन कर्ली एक्स स्क्वेयर, ओके, प्लस एक्स curly u by curly x plus xy curly square u upon curly x curly y is equal to nx curly u by curly x, and take this equation number 2. Dekhi students, isko humne liye equation number 2. Okay, chaliye. Yes students, have you any doubt at this stage? Okay, no doubt. Ab students hum yahan se karenge isko, इसी इक्वेशन नंबर वन को पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई, ट्रीटिंग एक्स एज ए कॉन्स्टेंट. देखिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर वन, राइट ऑन प्लीज. ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, अब यही हम इसके लिए लिखेंगे इक्वेशन के लिए कि डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर वन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई, ट्रीटिंग एक्स एज अ कॉन्स्टेंट. देखिए ट्रीटिंग एक्स एज ए कॉन्स्टेंट, अब दोनों तरफ कर लिए अपॉन कर ली वाई यूज करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें करली ओवर कर ली वाई एक्स करली यू ओवर कर ली एक्स, देखिए प्लस करली अपॉन कर ली वाई वाई करली यू अपॉन कर ली वाई, ओके, इज इक्वल टू एन करली अपॉन कर ली वाई इन टू यू, इस इक्वेशन नंबर वन में. तो इसको मैं स्टूडेंट्स रिमूव कर देता हूँ. तो चलिए, ओके, हम इक्वेशन नंबर टू को एज इट इज रखेंगे, बाकी को मैंने रिमूव कर दिया यहां से. देखिए ओके, अब इसको इसका डेरिवेटिव निकालते हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई. तो स्टूडेंट्स यहां पे अब क्या है आपके पास, देखिए एक्स एज इट इज, एक्स इज कॉन्स्टेंट, इस डेरिवेटिव इज कर्ली स्क्वेयर यू अपॉन कर्ली वाई कर्ली एक्स प्लस हियर दिस इज टू फंक्शन वाई वाई, तो आप यहां क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स, u into v means y as it is and derivative of this is curly square u upon curly y square plus curly u upon curly y and y derivative partially 1, okay, plus n into, okay, its partial derivative curly u by curly y. Dekhi students, okay, and now
मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय वाई. जैसे आपने स्टूडेंट्स इस को मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ एक्स से, तो इसको हमने करना है मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय वाई. लिखिए, चलिए मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन ऑन बोथ साइड बाय, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय वाई. देन वी गेट द एक्सप्रेंस. क्या गेट करेंगे आप व्हेन वी मल्टीप्लाई, ये दिस इज इक्वल ओके ऑन बोथ साइड बाय वाई. तो देन दिस बिकम यस एक्स वाई करली स्क्वेयर यू अपॉन करली वाई करली एक्स प्लस वाई स्क्वेयर करली स्क्वेयर यू अपॉन करली वाई स्क्वेयर प्लस वाई करली यू अपॉन करली वाई इज इक्वल टू एन वाई करली यू अपॉन करली वाई. देखिए स्टूडेंट्स ओके एंड टेक दिस इक्वेशन नंबर थ्री. देखिए स्टूडेंट्स नाउ एडिंग इक्वेशन नंबर टू एंड थ्री, एडिंग इक्वेशन नंबर टू एंड इक्वेशन नंबर थ्री, देन वी गेट. देखिए स्टूडेंट्स दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा इक्वेशन नंबर टू और थ्री को. तो देखिए स्टूडेंट्स यहां से एक बार हम कंप्लीट को इसको ऐड कर लेते हैं, या मैं आपको यही बता. देखिए स्टूडेंट्स एक्स स्क्वेयर करली स्क्वेयर यू अपॉन करली एक्स स्क्वेयर ओके एंड नाउ लुक एट हेयर एक्स वाई एंड दिस एक्स वाई, दिस इज करली एक्स करली वाई, दिस इज करली वाई करली एक्स. एंड स्टूडेंट्स यू नो बिकॉज क्या जानते हैं आप, देखिए बिकॉज करली स्क्वेयर यू अपॉन करली एक्स करली वाई इज ऑलवेज बी इक्वल टू करली यू अपॉन करली वाई करली एक्स, हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं. यू नो फ्रॉम द बेसिक ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव जो मैंने आपको करवाया हुआ इन लेक्चर नंबर वन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ओके, कि करली स्क्वेयर यू अपॉन करली एक्स करली वाई एंड करली स्क्वेयर यू अपॉन करली वाई करली एक्स ऑलवेज बी इक्वल, दिस इज ए फार्मूला आप याद रखेंगे इसको. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर मैं इसको या इसको किसी को भी हम ऐसे कर दें कि नाउ लुक एट हेयर दिस करली वाई इज करली एक्स एंड दिस करली एक्स इज करली वाई, तो बोथ इज इक्वल. देखिए ओके एक्स वाई एक्स वाई, तो देन यू कैन राइट प्लस टू एक्स वाई करली स्क्वेयर यू अपॉन करली एक्स करली वाई. देखिए स्टूडेंट्स ओके आई रिपीट अगेन, आपके पास यहाँ वाई था यहाँ एक्स था, तो मैंने वाई को एक्स कर दिया और एक्स को वाई कर दिया, तो बोथ इज इक्वल बिकॉज यू नो फ्रॉम द फार्मूला हेयर ओके. तो दिस इज टू एक्स वाई ओके. अब आपके पास क्या है स्टूडेंट, देखिए दिस इज योअर वाई स्क्वेयर ओके प्लस वाई स्क्वेयर करली स्क्वेयर यू अपॉन करली वाई स्क्वेयर प्लस, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से एक्स करली यू वाई करली एक्स, अब ये बचता है आपके पास और ये प्लस वाई करली यू अपॉन करली वाई इज इक्वल टू, देखिए एन मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया दोनों में से, देखिए यहाँ से दोनों में से क्या आपके पास एन कॉमन है, तो टेक एन इज कॉमन, दिस इज एक्स करली यू वाई करली एक्स प्लस वाई करली यू अपॉन करली वाई. देखिए स्टूडेंट्स एडिंग इक्वेशन नंबर टू एंड थ्री ओके, आफ्टर एडिंग द इक्वेशन नंबर टू एंड थ्री देन यू गेट दिस. चलिए नाउ ओके दिस इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वेयर करली स्क्वेयर यू अपॉन करली एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स वाई करली स्क्वेयर यू अपॉन करली एक्स करली वाई ओके प्लस वाई स्क्वेयर करली स्क्वेयर यू अपॉन करली वाई स्क्वेयर प्लस, व्हाट इज दिस स्टूडेंट्स, दिस इज योर यूलर फार्मूला ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर यू नो ओके, दिस इज इक्वल टू यस एन यू, ये फर्स्ट ऑर्डर यूलर थ्योरम, दिस इज इक्वल टू एन यू एंड दिस इज इक्वल टू एन इन टू यस एन यू ओके. तो नाउ दिस इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वेयर करली स्क्वेयर यू अपॉन करली एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स वाई ओके करली स्क्वेयर यू अपॉन करली एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर करली स्क्वेयर यू वाई करली वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, नाउ स्टूडेंट दिस बिकम एन स्क्वेयर यू एंड दिस लेफ्ट हैंड साइड एन यू शिफ्ट इन द राइट हैंड साइड दिस बिकम माइनस एन यू ओके एंड दिस इज इक्वल टू, नाउ एन इज कॉमन फ्रॉम हेयर, नाउ दिस बिकम ओके एन इन टू
n minus 1, okay, n square minus n into u. Hence proved. This is the second order Euler theorem on homogeneous functions. Dekhi students. Yeah. Okay. So students, I hope कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई है. और अब इसी सेकंड ऑर्डर यूलर थ्योरम से कुछ क्वेश्चन करते हैं. और क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में हमने होमोजेनियस फंक्शन सेकंड ऑर्डर की कैसे फाइंड आउट करनी है. तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं फ्रॉम एक्सरसाइज. आइए तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके पास, इफ यू इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई, प्रूव दैट x curly u y curly x plus y curly u upon curly y is equal to sine 2u and x square curly square u upon curly x square plus 2xy curly square u upon curly xy plus y square curly square u upon curly y square is equal to 2 cos 3u sine u. This is most important question for you. Okay, तो students ये question बहुत बार different universities में आ चुका है. तो I hope कि आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे. ओके तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को देखने से क्या आपको यहाँ पे नहीं लगता कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे दोनों मेथड यूज हो रहे हैं. कि मेथड नंबर 1 यूलर थ्योरम ऑन फर्स्ट ऑर्डर, यूलर थ्योरम फर्स्ट ऑर्डर यूलर थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन, एंड दिस इज योर सेकेंड ऑर्डर यूलर थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शंस. ठीक है ना, दोनों थ्योरम हमारी यहां पे यूज हो रही है, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर. ओके तो चलिए स्टूडेंट्स अब इसका हम प्रूफ करते हैं. देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा. आइए ओके नाउ प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम ऑफ दिस क्वेश्चन. गिवन यू इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई. ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखिए स्टूडेंट्स किसी भी फंक्शन को होमोजीनियस होने के लिए हमें क्या चाहिए, फंक्शन कैसा होना चाहिए. मैंने आपको बताया था, बेसिक से ही बताया था पार्शियल डिफरेंशिएशन के जो फर्स्ट लेक्चर मेरा था यहाँ पे. ओके तो किसी भी फंक्शन को होमोजीनियस होने के लिए एक कंडीशन ऐसी होनी चाहिए, देखिए किस तरह की, कि x रेज टू पावर n एफ वाई बाई एक्स, मीन्स कि हाउ टू फाइंड द डिग्री ऑफ n, जिसे हम वो इन द फॉर्म ऑफ y और मे बी x, ऐसा हो सकता है कि y रेज टू पावर n एफ एक्स बाई वाई. ओके दोनों फॉर्म मैंने आपको करवाई हैं और हेयर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ n ऑल्सो. ओके बट एट दिस टाइम जो टेंजेंट इनवर्स है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यहाँ पे. ओके तो अब इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा एडिट करेंगे, थोड़ा सब्स्टिट्यूशन करेंगे. ओके यहाँ पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे क्वेश्चन की, जिससे कि हम इसको होमोजेनियस बना सकें. ओके तो लिखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले, बट एट दिस टाइम यू इज नॉट होमोजेनियस, राइट ऑन प्लीज. सो हेयर यू इज नॉट अ होमोजेनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन. ओके सो लेट अस अज्यूम सो लेट अस अज्यूम जेड इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स मैं इसको ऐसे लिखता हूं, देखिए दिस इज योर टेंजेंट इनवर्स, दिस बिकम टेंजेंट यू इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई. लेट अस अज्यूम टेंजेंट यू इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, मैंने जेड मान लिया. ओके तो टेक दिस इक्वेशन नंबर 1. ओके एंड नाउ दिस इंप्लाई दैट जेड इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू, टेक नाउ हेयर x cube is common, this become 1 plus y cube by x cube upon from numerator x is common 1 minus y by x, this one to this one cancel and this is equal to x square, okay 1 plus y by x, look at here it's cube bracket close
डिवाइड बाय 1 माइनस y बाय x. देखिए स्टूडेंट्स, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एफ वाई बाय एक्स. ओके, अब देखिए आप, क्या ये होमोजेनियस नहीं हो गया हमारा? हेयर व्हाट इज द डिग्री? बिकॉज व्हेन वी कंपेयर विद x रेज टू पावर n एफ वाई बाय एक्स, ये देखिए स्टूडेंट्स, हेयर n इज इक्वल टू 2, यानी कि जो डिग्री है आपकी वो क्या हो गई, आपकी 2 हो गई यहां पे, n इज इक्वल टू 2. और z हमारा कैसा हो गया? सो देयरफॉर ओके, z इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y. देखिए स्टूडेंट्स, एंड हियर when we compare with this function, the formula x raised to power n y f y by x, then n is equal to, आपका actual में क्या है, n is equal to 2 है, ऐसा है, degree 2. Okay, तो students, yes, have you any problem? Okay, no problem. तो चलिए students, अब z हमारा homogeneous है, with degree 2 in x and y, तो अब Euler formula क्या होगा? Yes, आपका जो Euler formula है, वो किस तरह का होगा स्टूडेंट्स? ओके, राइट डाउन प्लीज. नाउ योर एवल फार्मूला बिकम, ओके स्टूडेंट्स, देखिए, लुक एट हियर. देयरफॉर जेड इज होमोजेनियस फंक्शन डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई, देयरफॉर यूलर्स फार्मूला in z is x curly z over curly x plus y curly z over curly y is equal to nz. ऐसा होगा स्टूडेंट्स आपके पास, ओके, इज इक्वल टू nz. एंड टेक दिस इक्वेशन नंबर, ये स्टूडेंट्स इसको ले लिया मैंने 2, और आपकी जो इक्वेशन है इसको ले लिया मैंने इक्वेशन नंबर 3. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, पुट जेड इज इक्वल टू टेंजेंट यू इन इक्वेशन नंबर 3. ये देखिए स्टूडेंट्स, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आपका जो जेड है, ये देखिए, इज इक्वल टू टेंजेंट यू, बोथ इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू टेंजेंट यू. तो जो टेंजेंट यू है, जेड इज इक्वल टू टेंजेंट यू इन इक्वेशन नंबर 3. तो इक्वेशन नंबर 3 में जब मैं जेड इज इक्वल टू टेंजेंट यू पुट करूंगा, तो नाउ दिस बिकम, ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, और आपके पास देखिए क्या आ जाएगा. ओके, नाउ दिस इंप्लाई दैट एक्स करली वाई करली एक्स टेंजेंट यू, ओके, प्लस वाई करली अपॉन करली वाई टेंजेंट यू इज इक्वल टू एन जेड इज यूअर टेंजेंट यू. देखिए स्टूडेंट्स, नाउ फाइंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बट यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, सो हियर दिस इंप्लाई दैट एक्स सेकेंड स्क्वेयर यू इन टू करली यू बाई करली एक्स. देखिए स्टूडेंट्स, करली यू बाई करली एक्स प्लस वाई इन टू सेकेंड स्क्वेयर यू इन टू करली यू बाई करली वाई इज इक्वल टू एन टेंजेंट यू. ओके, नाउ एक्स करली यू बाई करली एक्स प्लस वाई करली यू अपॉन करली वाई. ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से मैंने कॉमन आ गया सेकेंड स्क्वेयर यू इज इक्वल टू एन टेंजेंट यू. दिस इंप्लाई दैट x curly u by curly x plus y curly u upon curly y is equal to n tangent u upon secant square u in numerator. And here what is your n? ये जो n है students, ये क्या है आपका? 2. N is equal to 2. Now this implies that क्या हो जाएगा ये? X curly u by curly x plus y curly u upon curly y is equal to 2 tangent u upon secant square u. देखिए स्टूडेंट्स, ये अब हम इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं. देखिए, 2 tangent is your sin u by cos u, ओके, upon, and this secant square, you know, 1 by
cos square ही हो, देखिए students, and this is equal to, it's reciprocal to sin u upon cos u into cos square u by 1, and this one cancel, then you get from here, now, okay students, देखिए यहां से, क्या get करेंगे आप? Now, x curly u by curly x plus y curly u upon curly y is equal to 2 sin u cos u, okay, is equal to, yes students, ये किसके बोल रहा है, 2 sin a cos b, sin 2u, hence proved, this is your first order Euler theorem, आपकी proved हो गई है. ओके तो अब हमने फाइंड आउट करना स्टूडेंट्स सेकंड ऑर्डर. ओके तो सेकंड ऑर्डर के लिए अब क्या करेंगे हम, जैसे कि मैंने आपको आर्टिकल में बताया था सेकंड ऑर्डर के अभी जस्ट, तो ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4. ओके तीन इक्वेशन हम ऑलरेडी ले चुके हैं 1, 2 and 3 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4. नाउ स्टूडेंट्स डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 4 partially with respect to x, treating y as a constant. Then we have, take students, differentiating equation number 4 partially with respect to x, treating y as a constant. तो इसको, ये जो students आपके पास है, इसको हम partially with respect to x करेंगे. Okay, तो देखिए students, curly y curly x, into x curly u upon curly x plus curly over curly x y curly u upon curly y is equal to, okay, curly over curly x into sin 2u, ये ठीक है ना, ये ऐसे. Okay, तो now using the u into v here, now this imply that x as it is derivative curly square u by curly x square plus curly u by curly x into x derivative 1 plus y is constant and its derivative is curly square u upon, yes, curly x curly y. Okay, and this is equal to here cos 2u into 2 curly u by curly x, take students. Okay, and now multiply on both sides by this, इसको मैं, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 5. नाउ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 5 ऑन बोथ साइड बाय x, देन वी गेट देखिए स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय x, दिस बिकम x स्क्वायर कर्ली स्क्वायर u बाय कर्ली x स्क्वायर प्लस x कर्ली u बाय कर्ली x, ओके, प्लस एक्स वाई करली स्क्वायर यू अपॉन करली एक्स करली वाई इज इक्वल टू, दिस बिकम टू कोस टू यू इनटू एक्स करली यू बाय करली एक्स, ऐसा होगा स्टूडेंट्स ये चलिए. ओके टू कोस टू यू एक्स करली यू बाय करली एक्स एंड टेक दिस इक्वेशन नंबर 5. ओके तो यस, हैव यू एनी प्रॉब्लम एट दिस स्टेज in step number 1, 2, 3 and 4, 4 second order. Okay, no doubt. So, chaliye students, ye to tha hamara differentiating equation number 4 partially with respect to x, treating y as a constant. Then we have, ab hum is equation number 4 ko differentiate karenge partially with respect to y and treating, ab yahan se dekhi students, aapke paas kya hai, differentiating equation number 4 partially with respect to x. To ab hum isko karenge dekhi students, differentiating equation number 4 partially with respect to y, treating x as a constant. Okay, treating x as a constant. So, chaliye students, isko karte hain partially with respect to y, treating x as a constant. Okay. Curly over curly y,
विद रिस्पेक्ट टू वाई ट्रीटिंग एक्स एज ए कॉन्स्टेंट, एक्स कर्ली ओवर कर्ली एक्स प्लस कर्ली ओवर कर्ली वाई इन टू वाई कर्ली यू बाई ये स्टूडेंट्स कर्ली यू बाई कर्ली वाई दिस इज योर वाई ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू कर्ली ओवर कर्ली वाई ओके साइन टू यू इज इक्वल टू या यहीं से हम कर लेते हैं इसको. नाउ दिस इंप्लाई डैट देखिए स्टूडेंट्स इसको पर्सनली विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स इज कॉन्स्टेंट हेयर एक्स कर्ली स्क्वेयर यू अपॉन ये स्टूडेंट्स दिस बिकम कर्ली वाई कर्ली एक्स प्लस कर्ली अपॉन कर्ली एक्स एंड एक्स इज कॉन्स्टेंट दिस बिकम जीरो ओके प्लस नाउ यूजिंग द यू इन टू वी हेयर वाई कर्ली स्क्वेयर यू अपॉन कर्ली वाई स्क्वेयर प्लस कर्ली यू बाई कर्ली वाई इन टू वाई डेरिवेटिव वन यहाँ पे ओके इज इक्वल टू टू कोस टू यू इन टू कर्ली यू और कर्ली वाई आपके पास ये ओके. नाउ मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय वाई दिस इक्वेशन नंबर दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेवन मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय वाई ऑफ इक्वेशन नंबर सेवन तो स्टूडेंट्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे. अब ये जो इक्वेशन स्टूडेंट्स हमने इसे इसको एक्स से मल्टीप्लाई किया था इसको हम वाई से अब ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारा व्हेन वी फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय एक्स एंड व्हेन वी फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई मल्टीप्लाई विद वाई ओके. तो चलिए स्टूडेंट्स ये हो गया हमारे पास एक्स वाई ओके कर्ली स्क्वेयर यू अपॉन कर्ली वाई कर्ली एक्स प्लस वाई स्क्वेयर कर्ली स्क्वेयर यू अपॉन कर्ली वाई स्क्वेयर प्लस एक्स कर ये सॉरी विद वाई मल्टीप्लाई विद वाई कर्ली यू अपॉन कर्ली वाई इज इक्वल टू यस टू कोस टू यू इन टू वाई कर्ली यू अपॉन कर्ली वाई ये देखिए स्टूडेंट्स ऐसे देखिए ओके एंड टेक दिस इक्वेशन नंबर दिस इज योर इक्वेशन नंबर एट ओके. तो चलिए स्टूडेंट्स हम मैं यहां से लिखता हूं एडिंग इक्वेशन नंबर सिक्स एंड इक्वेशन नंबर एट ये आपकी स्टूडेंट सिक्स है और ये एट है तो बाकी जो इक्वेशन है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ. देखिए नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट्स दिस इज योर इक्वेशन नंबर सिक्स एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर एट एडिंग इक्वेशन नंबर सिक्स एंड इक्वेशन नंबर एट तो स्टूडेंट्स दोनों को ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल जो आर्टिकल मैंने आपको बताया है उसी आर्टिकल के अकॉर्डिंग आप इसको ऐड करेंगे कि सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं दिस इज योर एक्स स्क्वेयर बिकॉज देयर इज नो एनी वेरिएबल ऑफ एक्स स्क्वेयर इन इक्वेशन नंबर एट यहां पे कोई वेरिएबल नहीं है इक्वेशन नंबर एट में. तो देखिए एक्स स्क्वेयर कर्ली स्क्वेयर यू अपॉन कर्ली एक्स स्क्वेयर एज इट इज प्लस अब स्टूडेंट्स आप इसको देखिए एक्स वाई और यहां भी देखिए एक्स वाई ओके तो यहां पे ये कर ली वाई कर ली एक्स है ये कर ली एक्स कर ली वाई है एंड यू नो फ्रॉम द बेसिक ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव यू नो बिकॉज कर्ली स्क्वेयर यू अपॉन कर्ली एक्स कर्ली वाई इज इक्वल टू बताया था मैंने आपको कर्ली वाई कर्ली एक्स ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं हमेशा ओके. तो इस इक्वेशन को या किसी को भी आप इसको चेंज कर लें हम यहां पे ये है जो आपके पास तो ये कैसे हो जाएगी इसको चेंज कर लें क्योंकि हमें पता है कि कर्ली एक्स कर्ली वाई इक्वल टू दिस तो नाउ दिस वाई इज एक्स एंड दिस एक्स इज वाई और जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो फ्रेंड्स कैसा हो जाएगा आपके पास टू एक्स वाई कर्ली स्क्वेयर यू अपॉन कर्ली एक्स कर्ली वाई देखिए फ्रेंड्स ओके. आप इस चाहे इसको ऐड कर लो या इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो आपकी मर्जी है क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं ओके. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने इसको चेंज कर दिया वाई चेंज इन टू एक्स एंड एक्स चेंज इन टू वाई फ्रॉम द फार्मूला ओके. नाउ प्लस अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पे सिंगल में यहां पे देखिए अब दिस इज योर वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर कर्ली स्क्वेयर यू अपॉन कर्ली वाई स्क्वेयर एज इट इज. अब आपके पास क्या रिमाइंडर बचा एक तो है कर्ली एक्स प्लस एक्स कर्ली यू बाई कर्ली एक्स यहां से ये देखिए स्टूडेंट्स ओके और यहां से ये y प्लस वाई कर्ली यू अपॉन कर्ली वाई इज इक्वल टू इनको ऐड करो आप लेफ्ट साइड को सो राइट साइड को दिस बिकम ओके हेयर टू कोस टू यू लुक एट हेयर नाउ दिस इज टू कोस टू यू एंड दिस इज टू कोस टू यू ये स्टूडेंट्स
So here, this is common for all, and here, this is x curly u by curly x plus y curly u upon curly y. देखिए students, ये 2 cos 2u and 2 cos 2u, दोनों में क्या students common है, ये हमने common कर दिया, और this is x curly u by curly x and this is y curly u upon curly y. ये. Any doubt students? Okay. तो चलिए अब इसको और आगे थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं स्टूडेंट्स, और आपके पास देखिए क्या जाएगा. नाउ एक्स स्क्वेयर करली स्क्वेयर यू अपॉन करली एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स वाई करली स्क्वेयर यू अपॉन करली एक्स करली वाई प्लस वाई स्क्वेयर करली स्क्वेयर यू अपॉन करली वाई स्क्वेयर प्लस व्हाट इज दिस एक्स करली यू वाई करली एक्स प्लस वाई करली अपॉन करली वाई फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर. फर्स्ट ऑर्डर यूलर थ्योरम जो हमने स्टूडेंट्स प्रूफ किया था अभी आपके आपके सामने, किसके इक्वल किया था आपने? साइन. यस, साइन टू यू. ओके, दिस इज योर साइन टू यू, दिस इज इक्वल टू फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर. ओके, इज इक्वल टू टू कोस टू यू इन टू साइन टू यू. देखिए स्टूडेंट्स, एंड दिस इंप्लाई दैट एक्स स्क्वेयर curly square u upon curly x square plus 2xy curly square u upon curly xy plus y square curly square u upon curly y square is equal to 2 cos 2u into sin 2u minus sin 2u. देखिए students, okay, तो यहां students देखिए formula क्या आपके पास, 2 cos a sin b. क्या फार्मूला था स्टूडेंट्स? बिकॉज यू नो, यहां से मैं लिखता हूं देखिए, बिकॉज यू नो 2 cos a sin b इज इक्वल टू यस स्टूडेंट्स sin a प्लस b. ओके, माइनस sin a माइनस b. ये स्टूडेंट्स फार्मूला था, देखिए sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b 2 cos a sin b. तो यहां पे ये क्या है, 2 cos a sin b दिस इज इक्वल टू यस साइन ए प्लस बी मीन्स साइन फोर यू, साइन फोर यू. ओके, माइनस साइन, यस दिस बिकम साइन टू यू माइनस साइन टू यू जीरो मीन्स साइन टू यू माइनस साइन टू यू माइनस साइन टू यू. देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको डीपली बता देता हूं इसको, साइन ए प्लस बी 2u प्लस 2u 4u माइनस साइन ए माइनस बी 2u माइनस 2u क्या होगा स्टूडेंट्स? ये जीरो, और साइन जीरो क्या होता है? जीरो होता है. ओके, तो चलिए नाउ दिस इज इक्वल टू साइन 4u, साइन 4u माइनस दिस बिकम जीरो, एंड यू नो साइन जीरो जीरो बिकॉज यू नो साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो. ओके, ये माइनस साइन 2u. देखिए स्टूडेंट्स, साइन फोर यू माइनस साइन टू यू. ओके, तो अब ये देखिए, नाउ साइन सी माइनस साइन डी. यस स्टूडेंट्स, साइन सी माइनस साइन डी आपने फार्मूले किए होंगे प्लस टू में कि साइन सी डी ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट? देखिए दिस इज इक्वल टू यस स्टूडेंट्स 2 कोस 3 यू साइन यू. ओके, दिस इज योर सेकेंड ऑर्डर यूलर थ्योरम. ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई है. ओके, यूलर थ्योरम का प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ यूलर थ्योरम, और उसे एग्जांपल फ्रॉम दी सेकंड ऑर्डर यूलर थ्योरम्स. तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपने बहुत अच्छे से समझा इसको. ओके, तो स्टूडेंट्स इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पर एम आई एस सर्च कीजिए. ओके, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर से जरूर शॉर्ट आउट करूँगा, डेफिनेटली. ओके, तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर मेरा कैसा लगा प्लीज़ लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए. ओके, तो चलिए स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.